कभी बहुत चर्चित मर्डर के शीना बोरा हत्याकांड के अभियुक्त इंदिरानी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है। 6.5 साल से इंदिरानी मुखर्जी जेल में बंद थी और कई सारी शारीरिक बीमारियों के शिकार भी हैं। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं, उनकी वकील सना रईस खान हमारे साथ हैं। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए क्या क्या शर्तें लगाई और क्या कहा? कंडीशंस कुछ ऐसी ही हैं कि उन्हें विटनेसेस से कांटेक्ट नहीं करना है और उन्हें ट्रायल अटेंड करना है हर डेट पर और उन्हें टाइम पर हम पर एविडेंस नहीं करना है और श्योरिटी बॉन्ड ये सब है, वी विल कंप्लाई विद ऑल द कंडीशंस। इसमें पीटर मुखर्जी को जिस ग्राउंड पे बेल मिली थी उसका भी कुछ रोल है, उसका भी आपने हवाला दिया था? नहीं, हमने सिर्फ ये फैक्ट बताया है कि पीटर मुखर्जी को भी बेल मिली है, बट ये हमने कोई पैरिटी क्लेम नहीं की थी उस पर, बिकॉज पीटर मुखर्जी के ग्राउंड्स काफी अलग थे, हमारे ग्राउंड्स काफी अलग है। ये फैक्ट है दैट पीटर मुखर्जी हैज बीन ग्रांटेड बेल अबाउट 2 ईयर्स अगो, तो वो एक फैक्ट था जो हमने सुप्रीम कोर्ट में बताया। बाकी उनके सारे ग्राउंड्स तो काफी अलग थे, कि वो एक महिला है, वो 6.5 साल से अंदर है, उनकी मेडिकल कंडीशन भी है, ट्रायल का स्टेज देखो तो ट्रायल में भी कुछ हुआ नहीं है, कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ है, सिर्फ 68 विटनेसेस आज तक एग्जामिन हुए हैं जबकि देर आर अबाउट 237 विटनेसेस जो सीबीआई साइट करती है और अभी फिलहाल देर अबाउट 185 विटनेसेस। सीबीआई कह रही थी कि कुछ विटनेसेस ड्रॉप कर देगी, बट डिस्पाइट ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, राइटली ऑब्जर्व कि 6.5 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम और ये इतना लंबा टाइम का इनकार्सरेशन है, तो शी डिजर्व्स टू गेट बेल एंड उन्हें इस ग्राउंड पे बेल मिला है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अनंत काल तक, कब तक ट्रायल चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो ऐसे में किसी को अंदर रखने का कोई मतलब? एब्सोल्युटली आई एग्री विद दैट बिकॉज यू नो इट अमाउंट्स टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑल्सो, क्योंकि अभी उनका आप देखो तो पर्सनल लिबर्टी ये सब चीज ये सब टानिश हो रही है, बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो इतने टाइम से अंदर है एंड शी इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट, अभी तक तो वो गिल्टी प्रूव हुई नहीं है, तो कब तक वो सिर्फ एक एलिगेशन के बेसिस पे कब तक उन्हें अंदर रखा जा सकता है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका कि उन्हें इतने मतलब उन्हें या तो ट्रायल खत्म करो बहुत जल्दी या तो फिर उन्हें बेल तो मिलनी थी ही, मतलब ऑब्वियसली देयर वर चांसेस वर वेरी ब्राइट कि उन्हें इस हालात में मिलना चाहिए था, शी डिजर्व टू गेट बेल एंड आई एम रियली हैप्पी कि उन्हें बेल मिली। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बेल ऑर्डर करते समय यह साफ लिखा है कि अगर ट्रायल बहुत लंबा चल रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं कि कब तक ट्रायल चलेगा, कब तक सारे गवाहों की गवाहियां दर्ज कराई जाएंगी, तब तक किसी भी अभियुक्त को जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।